जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटे आज हम बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन की, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो है ये एक्चुअली बताता है एक रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड the densities or the molar masses of the substances. Thomas Graham, an English scientist, found that rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density. डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये देखिए जी, आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है और ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा जब अल्फा हटाएंगे, इक्वालिटी का निशान लगाएंगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। के बेटा यहाँ पे कांस्टेंट लग गया और R into D हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, D को हम R वाली साइड पे ले गए, तो ये K के बराबर आ गया। The constant K is same for all gases, तमाम गैसेस के लिए इस केस पे जो कांस्टेंट K है वो सेम रहता है, बशर्ते के टेम्परेचर और प्रेशर तमाम गैसेस का सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहते हैं लेट्स हैव टू गैसेस, वन एंड टू, एक गैस को वन कह लें और दूसरी को टू कह लें, having rates of diffusion as R1 and R2 and densities D1 and D2 respectively, तो फिर according to Graham's law क्या हो जाएगा बेटा, ये R1 into D1 gas 1 के लिए, R2 into D2 बेटे gas 2 के लिए, और जब हम दोनों equations को divide करके rearrange करेंगे तो हमारे पास relation आ जाएगा R1 by R2 is equal to square root of D2 by square root of D1। और हमें ये पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस वो गैस जिसकी मोलर मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो हम डेंसिटी को मोलर मास से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, R1 by R2 is equal to square root of M2 divided by square root of M1। जी बेटा इसके बाद आ जाता है जी इसके एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के, हम इसको किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कहता है तकरीबन 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब ले, ओपन फ्रॉम द बोथ एंड, जिसके दोनों सिरे खुले हुए, इंसर्ट टू स्वैब्स। ये देखिए जी ये ट्यूब है 100 सेंटीमीटर लंबी, इसमें क्या किया गया, इसमें दो स्वैब लगाए गए, ये राइट साइड पे अमोनिया से भीगा हुआ स्वैब लगाया गया और इधर HCl में भीगा हुआ स्वैब जो है वो लगाया गया। बेटा जब ये दोनों स्वैब इसमें लगा दिए गए तो दोनों तरफ से गैसेस जो हैं वो अंदर को मूव करना शुरू कर देंगी साइमल्टेनियसली एट बोथ हैंड्स, HCl एंड अमोनिया वेपर्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन द ट्यूब। देखिए ये HCl इधर को जाना शुरू कर देगा, ये अमोनिया इधर को जाना शुरू कर देगा, एंड विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40.5 सेंटीमीटर फ्रॉम HCl स्वैब। HCl से 40.5 पे मिलेंगे और अमोनिया से 59.5 सेंटीमीटर पे मिलेंगे, और वहां मिलके वो ये देखें सफेद सा धुआं बन रहा है, डेप्थ ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये वाइट फ्यूम्स है अमोनियम क्लोराइड। अब जरा तवज्जो कीजिए रिलेशन क्या होगा, 1 2 2 1, तो ऊपर अमोनिया रख लें, नीचे HCl रख लें, ऊपर HCl इधर अमोनिया, एक दूसरे के इनवर्स है। तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह ये फासला लगा दें 59.5 अमोनिया का और 40.5 HCl का, मोलर मास इसकी 36.5 और इसकी 17। ये जब आप लगा देते हैं तो दोनों तरफ से जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 1.46। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला भी 1.46 है और ये राइट साइड वाला भी 1.46 है, हेंस ग्राहम्स लॉ इज वेरीफाइड। जी बेटा अब इससे मुंसलिक
कुछ न्यूमेरिकल्स, उसमें एक तो एग्जांपल है और इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके तीन पार्ट्स हैं, वो तीनों के तीनों बेटा इसके क्या नाम है ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के रेलेवेंट न्यूमेरिकल। कहते जी 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। कहता कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। बेटा पहली बात कि जो इंफॉर्मेशन उसने दी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, ये पहली इंफॉर्मेशन। मोलर मास अननोन गैस की निकालनी है, हाइड्रोजन की मोलर मास आपको पता है वो 2 होती है, दिस इज गिवन डेटा। रीअरेंज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है पहले वाली इसको रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए आर ऑफ एच टू ऊपर आ जाएगा और आर एक्स नीचे आ जाएगा और ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डेवलप करें, आर एच टू बाई आर एक्स और इधर हो जाएगा एम एक्स बाई एम एच टू के दोनों के स्क्वायर रूट। अब इसमें वैल्यूज लगा दें बेटा, ये जो लेफ्ट साइड पे है आर एच टू ओवर आर एक्स, ये बेटा 4 के बराबर है, ये 4, ये देखिए ये 4 लग गया और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, वो हमने 2 लगा दी। दोनों तरफ स्केयर ले लें, 4 का स्केयर 16 और ये स्केयर रूट उठ जाएंगे जब दोनों तरफ आप स्केयर्स लेंगे, तो बेटा अगली तरफ आ जाएं तो यहाँ आप मोलर मास आपके पास आ जाएगी, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 इधर जब जाएगा 16 की तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम्स पर मोल। दिस इज द आंसर, दैट इज द मोलर मास ऑफ अननोन गैस, अननोन गैस को हमने एक्स दे दिया। जी बेटा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, कहता है द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस A and B are 1:1.5, यानी A की अगर डेंसिटी 1 है तो B की डेंसिटी 1.5 है। कहता है फाइंड द वॉल्यूम दैट विल दैट B विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम इन विच 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ A विल डिफ्यूज। कहता है B का वॉल्यूम निकालिए कितना डिफ्यूज होगा जितने टाइम में ए के 150 डेसीमीटर क्यूब डिफ्यूज करते ए डेंसिटी ऑफ ए और फिर डेंसिटी ऑफ बी में रेशियो क्या है ये देखिए बेटा 1:1.5 डेवलप ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन। बेटा ये डेंसिटीज इधर ले लें, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इधर ले लें, क्योंकि बी हमने इसलिए ऊपर लिया है क्योंकि बी हमने निकालना है। बेटा जी वैल्यूज इंसर्ट कर दें 150 और 1:1.5, तो ये आपके पास जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा 0.816 और 150 को 0.816 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी बी का वो वॉल्यूम जितने में ए के 150 सेंटीमीटर क्यूब डिफ्यूज किए हैं बी के उसी टाइम के दौरान 122.47 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिफ्यूज करेंगे। बेटा इसका बी पार्ट है, हाइड्रोजन डिफ्यूजेस थ्रू ए पोरस प्लेट एट ए रेट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट at 0 degree centigrade. What is the rate of diffusion of oxygen through the same porous plate at same temperature that is 0 degree centigrade? Beta, solution में सबसे पहली बात कि rate of diffusion of hydrogen उसने हमें बताया हुआ है वो ये है, rate of diffusion of oxygen हमने निकालना है और हमें कुछ नहीं बताया गया हुआ। मोलर मासेस हमें पता है, हाइड्रोजन की 2 है और बेटा ऑक्सीजन की जो है वो 32 है। यहाँ पे आपको फिर ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन डेवलप करना पड़ेगा, आर ओ टू ओवर आर एच टू, ठीक है जी, एम एच टू ओवर ओ टू। तो हमने ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, इसलिए ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने वाली शय का हम आमतौर पर ऊपर यहाँ पे रखते हैं, तो जो चीज यहाँ पे ऊपर हो द
राइट साइड पे वो बेटे नीचे आ गए। वैल्यूज इंसर्ट कर दे बेटा, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन की जो रेट है दैट इज 500, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। तो बेटा कैलकुलेट कीजिए, 2 और 32 का दोनों के स्क्वायर रूट को जब डिवाइड करेंगे द आंसर इज 0.25, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए 500 को जब हम इधर ले जाएंगे 125 आपके पास आंसर आ जाएगा कि उस वक्त जो है ऑक्सीजन का रेट उसी टाइम में 125 सेंटीमीटर क्यूब। जी बेटा, इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का, कहता है रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस ए थ्रू ए पिन होल इज फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। बड़ी सीधी सी बात है, हमने जो पहला सेंटेंस है उससे ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज 0.279 टाइम्स रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 और मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमने निकाल दी। ग्राम सा इस पे डिवेलप कर लें बेटा, आर एक्स ओवर एच टू इसको हमने रीअरेंज किया है, पहले वाले को 0.279 इधर आ गया, ग्राम सा इसका बनेगा आर एक्स इधर ऊपर है तो इधर एम एक्स नीचे आ जाएगा, आर एच टू इधर अगर डिनोमिनेटर में है तो एम ऑफ एच टू का स्क्वायर रूट इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इंसर्टिंग वैल्यूज, बेटा वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दें। देखिए हमने इसकी जगह आर एक्स ओवर आर एच टू की जगह 0.279 रख दिया और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन लगा दी, दोनों का स्क्वायर ले लिया दोनों साइड का, तो ये आपके पास 0.778 हो गया इज इक्वल टू 2 ओवर एम एक्स, और बेटा एम एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 25.69 ग्राम पर। ठीक है जी। जी बेटा एनी क्वेश्चन बच्चे बैठे हुए हैं कि कोई? जी जोहेब साहब, कर लेंगे? हेलो जी, हम आए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने पूछना था कि आपका लेक्चर 4:15 पे शुरू होता है तो मेरा थोड़ा सा वो ग्राम्स लॉ रह गया है। रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा। चलें ठीक है। और वो फिजिक्स का मुझे पूछना था कि उसके लेक्चर्स नहीं आ रहे रिकॉर्डिंग पे। वो खाले साहब रिकॉर्ड नहीं करते आना, वो किधर गई है आमना? सर वो करते हैं रिकॉर्ड। किधर है वो रिकॉर्ड? सर वो उनको बताओगे लेकिन वो रिकॉर्ड करते हैं रोज। मैं आमना नहीं हूँ। नहीं नहीं आमना इधर थी अभी, आमना खालिद, मैं उससे पूछ रहा था, वो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अपलोड नहीं करते, वो मैं उनसे कहता हूँ दोबारा कि वो अपलोड करते हैं। आयशा आज क्लास हुई फिजिक्स की? आज कोई भी क्लास नहीं हुई, सिर्फ केमिस्ट्री की हुई। हाँ मैं कोई देखी कोई क्लास नहीं हुई आज कोई नहीं सर। थोड़ा फला हो जाए, क्या करते हैं ये लोग? सर वो मैंने सर काफी दिनों से नहीं आए। सर अदील ने कहा है कि दो दिन मीनिंग मंडे और ट्यूसडे को आएंगे वो। सर सर खालिद से मैंने बात किया, वो कह रहे हैं कि आज मुझे कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया तो इस वजह से मैंने लेक्चर नहीं लिया। अच्छा, सर अदील से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं मंडे और ट्यूसडे को आऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूं।